नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र पुणे नेत्रदान पखवाड़े के अवसर पर पुणे स्थित पिंपले सौदागर के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बबन दौलस की पहल पर डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी और मेडिफिट फाउंडेशन के सदस्यों ने यह साइकिल यात्रा निकालकर नेत्रदान का संदेश दिया। रैली का शुभारंभ जिला नेत्र सर्जन डॉक्टर अंजलि कुलकर्णी ने किया। पिंपले सौदागर राहतनी वाकड़ के स्वराधार डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर जीजी खन्ना ने उद्घाटन के अवसर पर सभी साइकिल चालकों को नेत्रदान का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर पुणे अस्पताल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश भोयर को डॉक्टर अग्रवाल, आई अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अंजलि कुलकर्णी, डॉक्टर बबन डॉलस से सम्मानित किया। रैली की शुरुआत पिंपले सौदागर स्थित डॉक्टर अग्रवाल आई अस्पताल से की गई और एक कौकणे चौक जगताप डेरी जिला अस्पताल सांगवी पिंपले नीलख वाकड़ बानेर होते हुए पिंपले सौदागर में समाप्त हुई। इस रैली में 100 से अधिक साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। रैली को संबोधित करते हुए जिला नेत्र सर्जन डॉक्टर अंजलि कुलकर्णी ने नेत्रदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक व्यक्ति के नेत्रदान से 2 नेत्रहीनों का जीवन उज्ज्वल हो सकता है। उन्होंने समाज में नेत्रदान आंदोलन को प्रोत्साहित करने की बात कही। इस साइकिल रैली में PCMC साइकिलिस्ट पुणे डॉक्टर्स एसोसिएशन स्वराधा फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन और पौरवाल साइकिल का विशेष सहयोग मिला। मेडिफिट फाउंडेशन के सचिव डॉक्टर धनराज हेलम्बे ने मार्गदर्शक के रूप में रैली का संचालन किया और पूरे रास्ते में साइकिल चालकों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर भाग लेने वाले साइकिल चालकों को नेत्रदान प्रतिज्ञा के साथ प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अग्रवाल आई अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बबन डॉलस ने समन्वय एवं आभार व्यक्त किया। जगत न्यूज 24 महाराष्ट्र पुणे से डॉक्टर प्रशांत पाटिल की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।